जय हिंद साथियों, फिर से मैं बम सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंस प्लस डिफेंस एकेडमी में। आज जो है आज फिर हम लोग जो है केमिस्ट्री का जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस क्वेश्चन को हम लोग आज डील करेंगे। देखिए, बहुत सारा लड़का का कमेंट आया था कि सर 100 क्वेश्चन करवाइए, लेकिन 100 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है बाबू, ठीक है। 100 क्वेश्चन जो है एक दिन में पॉसिबल नहीं, आप समझिएगा ही नहीं, तो उसको 100 क्वेश्चन कराने से क्या फ़ायदा होगा। हम 10 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन डील करते हैं क्या, 10 क्वेश्चन में जो है 30 क्वेश्चन डील करते हैं। तो समय को जो है देखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, आप उसको देखिए कि जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं। ए नंबर में है आपका संघनन, बी नंबर में है गलन, सी नंबर में है उर्ध्वपातन और डी नंबर में है आपका वाष्पीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी वह पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उर्ध्वपातन कहते हैं। संघनन किसे कहते हैं, यानी द्रव से जैसे ही गैस में बदलेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका संघनन हो जाएगा, क्या संघनन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है कि प्रथम सबसे हल्की गैस कौन सी है। प्रथम क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम सबसे हल्की गैस कौन सी है। ए नंबर ऑप्शन में है आपका हाइड्रोजन, बी में है हीलियम, सी में है नाइट्रोजन और डी में है ऑक्सीजन। क्या है, डी में है ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, प्रथम सबसे हल्की गैस बोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रथम। अगर द्वितीय सबसे हल्की गैस तो आपका क्या हो जाएगा, हीलियम होगा, क्या आपका हीलियम होगा, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, प्रथम सबसे हल्की गैस आपका हाइड्रोजन है, ए नंबर है, और द्वितीय सबसे हल्की गैस क्या है, हीलियम है। हाइड्रोजन को जो है एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, हाइड्रोजन को आवारा गैस कहते हैं, क्या कहते हैं, आवारा गैस कहते हैं, हाइड्रोजन को जो है आवारा गैस कहते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, यानी तत्व का जो है सूक्ष्मतम कण क्या होता है। ए नंबर में आपका है परमाणु, बी नंबर में है यौगिक, सी नंबर में है मिश्रण, डी नंबर में है अणु, क्या है, डी नंबर में है अणु। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर का, तत्व का जो है सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु होता है, क्या होता है, तत्व का जो है सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु होता है। और एक और पॉइंट नोट करके लिखिएगा, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, अणु होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन अस्थाई कण है, क्या कण जो है कौन अस्थाई कण है। ए नंबर में है प्रोटॉन, बी नंबर में है न्यूट्रॉन, सी नंबर में है इलेक्ट्रॉन और क्या है, डी नंबर में है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, आपका प्रोटॉन, यानी अस्थाई कण बोलेगा, क्या अस्थाई कण बोलेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, क्या
प्रोटॉन होगा, अस्थाई कण में प्रोटॉन हो जाएगा। अस्थाई कण बोलेगा, अगर आपसे अस्थाई कण पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। यानी अस्थाई कण प्रोटॉन होता है और अस्थाई कण इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आप पांच देखिएगा, क्या क्वेश्चन नंबर पांच देखिए कि आग को बुझाने में काम ली जाने वाली गैस, यानी आग को बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ए नंबर में है आपका CO2, बी नंबर में है CO, सी नंबर में है NO2 और डी नंबर में है N2 यानी नाइट्रोजन है। तो पाँच नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी CO2 हो जाएगा। किसी भी वस्तु को बुझाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सहायता यानी प्रयोग किया जाता है, और किसी भी वस्तु को जलाने के लिए जो है ऑक्सीजन की सहायता ली जाती है। किसकी ली जाती है, ऑक्सीजन की सहायता ली जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा, यानी पाँच नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, क्या ए नंबर हो गया। छः नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अल्फा किरण पर कौन सी आवेश होती है। ए में है धन आवेश, बी में है ऋण आवेश, सी में है उदासीन और डी में है कोई नहीं, क्या डी में है कोई नहीं। यानी छः नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी अल्फा किरण की खोज जो है वेकुरल साहेब ने किए थे। कौन वेकुरल साहेब ने किए थे। अल्फा किरण पर धन आवेश होता है, क्या होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है। और बीटा किरण की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। कौन किए थे, रदरफोर्ड ने किए थे। और बीटा किरण पर जो है इस पे जो है ऋण आवेश होता है, क्या होता है, ऋण आवेश होता है। यानी अल्फा किरण पॉजिटिव होता है और बीटा किरण क्या होता है, निगेटिव होता है। अल्फा किरण का खोज जो है हेनरी बेकुरल साहेब ने किए थे, बीटा किरण का खोज रदरफोर्ड ने किए थे। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि कल्पक्कम परमाणु रिएक्टर कहाँ है। ए नंबर में है तमिलनाडु, बी नंबर में है राजस्थान, सी नंबर में है केरल और डी नंबर में है आपका आंध्र प्रदेश। तो 7 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 का भी आंसर आपका ए ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, क्या तमिलनाडु। और रावत भाटा परमाणु रिएक्टर क्या है, ये आपका राजस्थान में है, क्या है, राजस्थान में है। तो 7 का आंसर क्या हो गया, कल्पक्कम जो है परमाणु रिएक्टर तमिलनाडु में है और रावत भाटा कहाँ है परमाणु रिएक्टर, राजस्थान में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके स्क्रीन पर है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अम्ल का जो है पीएच मान कितना होता है, ए में है 7 से कम और बी में है 7 से अधिक, सी में है 15 और डी में है 16। तो इसका क्या हो जाएगा, अम्ल का जो होगा ए हो जाएगा, यानी 7 से कम, क्या 7 से कम। अम्ल जो है, एक और पॉइंट लिखिएगा, अम्ल स्वाद में जो है खट्टा होती है, क्या होती है, खट्टा होती है। अम्ल स्वाद में खट्टा होती है और अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। उसके बाद थोड़ा क्षार के बारे में भी जान लेंगे, ये स्वाद में जो है कड़वा होता है, क्या स्वाद में कड़वा होती है और इसका पीएच मान जो होता है, इसका पीएच मान 7 से
अधिक होता है, कितना होता है 7 से अधिक होता है। और उदासीन का जो है, उदासीन का पीएच मान जो, उदासीन का पीएच मान 7 होता है, सिर्फ 7 होता है। क्या होता है? उदासीन का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान लिख लीजिएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका खोज जो है, इसका खोज किए थे सोरेनसन साहब ने। कौन? सोरेनसन साहब ने किए थे। यानी अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और इसका पीएच मान अम्ल का 7 से कम होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होती है और इसका पीएच मान जो है 7 से अधिक होती है। क्या होती है? 7 से अधिक होती है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके कि अम्ल न दे तो आपको क्षार ही दे दे। क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और ध्यान से जो है उसका जवाब दीजिए। क्या? ध्यान से जो है उसका जवाब दीजिए। 9 नंबर में क्या है आपका कि निम्न में जिंक का अयस्क है। निम्न में जो है जिंक का कौन अयस्क है? ए नंबर में है केलामिन, बी में है सिनेबार, सी में है गेलेनो और डी में है सोडियम। क्या है? डी में है सोडियम। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केलामिन। क्या? केलामिन। यानी जिंक का जो अयस्क है केलामिन है। सिनेबार किसको बोलते हैं? सिनेबार पारा को बोलते हैं। किस? सिनेबार जो है अयस्क है किसका? यानी पारा। पारा इसको HG बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीने बार कहते हैं। क्या कहते हैं? सीने बार यानी मरकरी। क्या? मरकरी यानी मरकरी का अयस्क क्या है? HG है। पारा यानी सीने बार है। एक और देखिएगा, गेलेना होगा यानी सीसा का। सीसा का अयस्क जो है आपका गेलेना है। क्या है? सीसा का अयस्क आपका ये लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्या? ध्यान से देख लीजिए। इसको हम PB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PB बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है आप नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्या? क्वेश्चन नंबर जो है 10 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन कि लिथियम को किसमें रखा जाता है। यानी लिथियम को जो है किसमें रखा जाता है? पानी में, केरोसिन में, ठोस पानी में और इसमें से कोई नहीं। तो केरोसिन को जो है, यानी सॉरी लिथियम को जो है पानी में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? पानी में रखा। इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। आपका क्या हो गया? लिथियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्या? पोटेशियम। इसको जो है रखा जाता है किसमें? पानी में। तीनों को पानी में रखा जाता है। क्या? तीनों को पानी में रखा। एक और ही इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा, ये तीनों को जो है ये तीनों पानी में तैरता है और पानी में रखा जाता है। और लिखिएगा पानी में तैरता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्न में कौन सा धातु पानी में तैरता है, कौन सा तैरता है? तैरता है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इन तीनों को जो है चाकू से काटा जाता है। किससे? चाकू से काटा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है, तो किसको काटा जाता है? या तो लिथियम रहेगा, या तो सोडियम रहेगा, या तो पोटेशियम रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी 10 क्वेश्चन से आपका क्या किए? 20 क्वेश्चन बना दिए। क्या किए आप? 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन बना दिए। इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज और लिखिएगा कि फास्फोरस को रखा जाता है, फास्फोरस को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। किसमें? केरोसिन या मिट्टी का तेल।
क्या इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्या नोट कर लीजिएगा। तो यह जो सेशन 10 क्वेश्चन का हम लोग आपके साथ या आप हम लोग के साथ जो है क्वेश्चन शेयर किए, क्वेश्चन आपको बताइए कैसा लगा, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर करना है। आपके लिए जो है एक शेयर है, क्या आपके लिए एक शेयर प्रस्तुत है। देखिए नौकरी फौजी की होगी, क्या नौकरी फौजी की होगी, समय सर्दी का होगा, नौकरी फौजी की होगी समय सर्दी का होगा, चिता बारूद पे जलेगी, चिता बारूद पे जलेगी, कफन वर्दी का होगा। नसीब वालों को ही भाई मेरे कफन जो है वर्दी का मिलता है, नसीब वालों को हो क्या कफन जो है वर्दी का मिलता है। इसीलिए जितना आपके अंदर एनर्जी है, क्या है जितना आपके अंदर एनर्जी है सारा एनर्जी आप लगा दीजिए, क्या सारा एनर्जी लगा दीजिए। टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या टाइम जो है समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए समय का पाबंद बनिए क्या। और हमारा भारतीय सेना क्या समय के लिए ही जाना जाता है, डिसिप्लिन के लिए ही जाना जाता है। इसीलिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं केशव सर पढ़ा रहे हैं उसको डिवीजन कीजिए, क्या बार बार जो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को बार बार देखिए। हम 10 क्वेश्चन करवाएं लेकिन इतना आप नहीं जान पाते, अगर आपको 20 क्वेश्चन करवाते आपको तो इतना सारा जानकारी आप नहीं प्राप्त कर सकते। क्या क्या पता कि क्वेश्चन इसी में से दे दे, क्वेश्चन यही दे दे, लिथियम ना सोडियम पोटेशियम ही दे दे। तो मेरी बात समझ में आया, तो आप लोग जो है बहुत जोश के साथ जो है पढ़िए और आपके एग्जाम में जो है ये बहुत ही फायदा करेगा, आपके एग्जाम में बहुत ही फायदा करेगा। तो क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद जय भारत।